प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्काइन की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के कारण एल्काइन की प्रमुख अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। एल्काइन इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के अतिरिक्त से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, बहुलकीकरण अभिक्रियाएँ, ऑक्सीकरण एवं समाविकरण अभिक्रियाएँ भी प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एल्काइन की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उपस्थित होते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अतः ये एल्कीन के समान इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं। इनमें ध्रुवीय अभिकर्मक के दो अणु एक एक करके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर जुड़ जाते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया दो स्टेप में पूर्ण होती है। प्रथम स्टेप में एक अणु का योग होकर एल्कीनिल यौगिक बनते हैं, तथा सेकंड स्टेप में एल्कीनिल यौगिक पर दूसरे अणु का एडिशन होता है, जिसके फलस्वरूप संतृप्त यौगिक बनते हैं। जैसा कि यहाँ इस अभिक्रिया से स्पष्ट है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के प्रभाव से एल्काइन के पाई बॉन्ड का धुआं हो जाता है, तथा ऋणावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल है वह जुड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ए है वह जुड़ जाता है। प्रथम स्टेप में यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, और इस कार्बोकेटाइन पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वह आक्रमण करता है, अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ जाता है। क्योंकि एल्काइन में दो पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं, अतः इसमें अधिक कारक के क्रियाकारक जो अणु अभिकर्मक है उसके दो अणुओं का एडिशन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अंतिम उत्पाद बनता है। नेक्स्ट हैलोजनीकरण। लुई संबल जैसे FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो अणु हैलोजन एल्काइन से योग करके टेट्रा हेलो एल्केन बनाते हैं। एल्काइन के प्रति हैलोजन की अधिक क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। सबसे क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन। जब यहाँ पर एल्काइन पर लुई संबल FeCl3 की उपस्थिति में हैलोजन का योग होता है, तब यहाँ पर पहले डाई हैलोजन उत्पन्न तथा हैलोजन के दूसरे अणु के एडिशन से टेट्रा हैलोजन उत्पन्न बनते हैं। जब एसिटिलीन पर Cl2 हैलोजन अणु का FeCl3 की उपस्थिति में एडिशन होता है, तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोएथेन बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। यहाँ पर लुई संबल FeCl3 है वो हैलोजन अणु से रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल एल्काइन के पाई बॉन्ड की पर आक्रमण करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। अतः प्रथम स्टेप में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है उसका एडिशन होता है एवं कार्बोनिमाइन बनते हैं। अब इस कार्बोनिमाइन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, और ये एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एल्काइन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, अतः है इसमें ध्रुवीय अभिकर्मक के दो अणु का एडिशन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद के रूप में टेट्रा क्लोरो एल्केन बनता है। जब एथाइन पर हैलोजन की क्रिया कराते हैं, तो अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर टेट्रा क्लोरो एल्केन है वो बनता है। नेक्स्ट हाइड्रोहैलोजनीकरण। हाइड्रोजन हैलाइड HX एल्काइन से मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार क्रिया करता है। प्रथम स्टेप में एल्कीन का हैलोजन डेरिवेटिव बनता है, जो फिर
एथर से अभिक्रिया करके गैम डाई हैलाइड बनाता है। जब एल्काइन पर एथर का एडिशन होता है तो पहले यहाँ पर एल्कीन का हैलोजन विकसित होता है और एथर के दूसरे मॉलिक्यूल के एडिशन के फलस्वरूप गैम डाई हैलाइड बनता है। जब प्रोपाइन पर HCl का एडिशन होता है तो पहले यहाँ 2 क्लोरोप्रोपीन बनता है और HCl के दूसरे मॉलिक्यूल के एडिशन से 2 डाइक्लोरोप्रोपेन उत्पाद बनता है। जब परोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्काइन पर HBr की अभिक्रिया कराई जाती है तब विसिनल डाई हैलाइड बनते हैं। यह एडिशन मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत होता है। जब यहाँ पर प्रोपाइन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का एडिशन होता है तब यहाँ पहले 1-ब्रोमोप्रोपीन बनता है और HBr के दूसरे मॉलिक्यूल के एडिशन के फलस्वरूप 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन अर्थात विसिनल हैलाइड यहाँ पर बनता है। अतः यहाँ पर 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन अर्थात विसिनल डाई हैलाइड बनता है। नेक्स्ट जलयोजन हाइड्रेशन। एल्काइन अम्ल उत्प्रेरक जैसे तनु H2SO4 और मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में जल का योग होने पर एल्किनोल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एल्किनोल या इनोल प्राप्त होते हैं। ये एल्किनोल तुरंत स्थायी कार्बोनिल यौगिक में पुनर्विन्यासित हो जाता है। जब यहाँ पर एल्काइन की अभिक्रिया तनु H2SO4 और मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में कराते हैं तब यहाँ पर पहले एल्किनोल बनता है और ये रीअरेंजमेंट होकर के कार्बोनिल यौगिक बनाता है। यदि यहाँ पर एथाइन का जलयोजन कराया जाए तब उत्पाद के रूप में पहले यहाँ एसिटाल्डिहाइड बनता है और प्रोपाइन के जलयोजन के फलस्वरूप एसीटोन बनता है। नेक्स्ट हाइपोएलस एसिड का योग। हाइपोएलस एसिड के दो अणु मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन करते हैं और अस्थायी उत्पाद बनता है जिसमें से जल के एक अणु का निष्कासन होता है जिसके फलस्वरूप डाई हेलो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। यहाँ पर एल्काइन है इस पर HOCl की अभिक्रिया होती है। ये OH- और ये HCl+। इसके दो अणुओं की अभिक्रिया होने के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर डाई हेलो कार्बोनिल यौगिक 1,1-डाइक्लोरो-2-प्रोपेनोन बनता है और ये अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार होती है। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन बोरान हाइड्राइड का एडिशन। एल्काइन डाई एल्किल बोरेन से अभिक्रिया करके एल्किनिल डाई एल्किल बोरेन बनाते हैं। यह क्षारकीय H2O2 से ऑक्सीकृत होकर के एल्किनोल देते हैं जिनका स्थायी कार्बोनिल यौगिक में रीअरेंजमेंट हो जाता है। 1 एल्काइन से एल्केनल और 2 एल्काइन से एल्केनोल बनते हैं। अर्थात जब यहाँ पर एल्काइन की अभिक्रिया डाई एल्किल बोरेन से होती है तब पहले यहाँ पर एल्किनिल डाई एल्किल बोरेन बनता है और इसके क्षारकीय H2O2 से ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप यहाँ पर एल्किनोल बनता है और इसका कार्बोनिल यौगिक में रीअरेंजमेंट हो जाता है। 1 एल्काइन से एल्किनिल बनते हैं और 2 एल्काइन से एल्किनोल बनते हैं। अतः प्रोपाइन के हाइड्रोबोरेशन के फलस्वरूप प्रोपेनल बनता है और 2 एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन से एल्किनोल बनता है। नेक्स्ट एल्कोहल का योग एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्काइन BF3
HGO 13 की स्थिति में दो अणु एल्कोल से एडिशन करते हैं जिसके फलस्वरूप किटैल बनता है। एल्कोल के एक अणु के एडिशन होने पर वाइनिल ईथर प्राप्त होते हैं और जो एल्कोल के दूसरे अणु से एडिशन करके अंतिम उत्पाद के रूप में किटैल बनाते हैं। जो एल्काइन की अभिक्रिया एल्कोल के साथ कराते हैं BF3HGO की स्थिति में, तो पहले यहाँ वाइनिल ईथर बनता है और एल्कोल के दूसरे मॉलिक्यूल के एडिशन के फलस्वरूप किटैल अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल या एल्कोल का एडिशन। एल्काइन निकल कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में CO+H2O या CO+ एल्कोल से अभिक्रिया करके क्रमशः एल्किनोइक एसिड अल्फा बीटा एन सैचुरेटेड एसिड या अल्फा बीटा एन सैचुरेटेड एस्टर नाम। जब यहाँ पर एल्काइन की अभिक्रिया CO+H2O से निकल कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तब यहाँ पर एल्किनोइक एसिड बनते हैं। और यदि एल्काइन की अभिक्रिया CO+ROH एल्कोल से कराते हैं तब यहाँ एल्किनोइक एस्टर बनते हैं। यदि एस्टिलीन की अभिक्रिया CO+H2O से निकल कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तब यहाँ उत्पाद के रूप में एक्रिलिक एसिड अर्थात 2-प्रोपिनोइक एसिड बनता है। एवं एल्काइन की अभिक्रिया यहाँ पर CO+ मेथिल एल्कोल से कराते हैं तो उत्पाद के रूप में मेथिल प्रोपिनोइक बनता है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एल्काइन सांद्र H2SO4 की से एडिशन करके एल्किलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। एल्काइन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 से होती है तब यह अंतिम उत्पाद के रूप में एल्किलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं और ये एडिशन मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है।